In this secondary maths class, a teacher is conducting a problem-solving lesson in which the students are given opportunities to explore their ideas, develop their reasoning, and learn from one another through talk. The students are discussing in groups whether various mathematical statements are always, sometimes, or never true. इन पांचों टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे हम लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपनी समझ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यानी कि एक मैथमेटिशियन कैसे सोचता है उसकी ओर अग्रसर होते हुए एक कदम और आगे हम लोग इन तीन पॉइंट पर पॉइंट नंबर दो पॉइंट नंबर तीन और पॉइंट नंबर चार They will have to convince one another of the strength of their arguments. The students are given 3 minutes of quiet individual thinking time to prepare. The teacher then asks his students to discuss their arguments in pairs. दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की जीवा कहलाती है जीवा आपस में जानते हैं कि n + 1 एक वृत्त की जीवाएं हैं n त्रिभुज के बाहर बिंदु स्थित होता है तो मान लो कि ये त्रिभुज हुआ ठीक ये बिंदु हुआ तो बिंदु से ज्यादा डिग्री का ना होता है 45 डिग्री 60 डिग्री तो यही 45 डिग्री हुआ तो जीरो से बेसी का हुआ ना 45 डिग्री तो यही हुआ कैसे होगा इस पर इसको हम देखो सर्वांशम उसे कहते हैं जो दोनों जो एक चित्र को पूरी तरह ढक ले जब इसका आयतन और पृष्ठक्षेत्रफल दोनों का समान है दोनों का त्रिज्या और व्यास दोनों समान है तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों सर्वांशम है इस रिजल्ट को आप अपने आप को द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड्स इफ दे वर सैटिस्फाइड विद वन अनदर्स आर्गुमेंट्स अभी तक इस लेसन में हम लोगों ने यही किया सबसे ज्यादा कौन ग्रुप संतुष्ट हुआ और कौन सा टॉपिक पर संतुष्ट हुआ हाथ उठाइए चलिए चलो यदि दो गोल को का आयतन एक समान होगा तो वो सर्वांगसम होगा इस अच्छा, ये टॉपिक पर हम सवाल ये यानी कि यदि दो गोल को का आयतन एक समान हो तो गोलक सर्वांगसम क्यों होता है यस इन द फाइनल पार्ट ऑफ द लेसन द टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू इमेजिन दे आर आर्ग्यूइंग विद अ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन They therefore need to try even harder to make their arguments convincing. Yes, sir. The teacher invites a pair to present their exchange. आपका जो साथी है वो रामानुजन है रामानुजन कहने का मतलब ये है कि वह एक बहुत बड़ा गणितज्ञ है और उसकी थिंकिंग बहुत बड़ा ऊपर है अब आपको उसको संतुष्ट करना है पहले हम दो गोला सर्वांशम हम उसे कहेंगे कि जो अपने आप को पूरा पूरा ढक ले अब जिससे जिससे इसका दोनों का आयतन बराबर हम इसका त्रिज्या को तीन मानते हैं दोनों के त्रिज्या को अगर हम दोनों के त्रिज्या का इसका फॉर्मूला गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ अगर हम उस पर त्रिज्या रख कर बनाएंगे तो हमें दोनों का आंसर 36 πcm³ आता है तो इससे इससे यह होता है कि दोनों का आयतन समान है तो वो सर्वांशम होगा फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाले तो कैसे निकाले देखिए अब ये भी अगर हम 3 cm रख कर अगर हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4πr² अगर 4πr² रख के बनाएंगे तो मेरा आ जाएगा 36 πcm²
जो दोनों का इतना ही आता है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि सर्वांगसम है। चलिए बहुत अच्छा। और कोई ग्रुप और कोई पेयर जो खुद को राजी किया? The teacher praises his students and invites further feedback. जन को भी राजी कर देंगे। चलिए वृत्त की जीवाएं वृत्त के n plus 1 पे अनाच्छादित क्षेत्रों में बांटती है, तो अगर n की जगह पे हम 3 लगा पाएंगे क्या होगा? ये हमेशा सच, कभी-कभी सच या कभी सच? ये हमेशा सच होगा, क्योंकि अगर हम n की जगह पे अगर 3 लाते हैं, 3 plus 1 is equal to 4 आता है, तो हम उसे 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये 3 तू बोली ना 3 plus 1, तो ये 3 कैसे हुआ, फिर 1 कैसे हुआ, ये बता हमको। जैसे कि हम इसको वृत्त बनाए ना, हाँ, और वृत्त में जैसे कि अगर तीन रेखा खींचे ना, हाँ, 1 2 3 4 चार भागों में बट गया, हाँ, जैसे एन की जगह पर अगर हम 3 डालते हैं तो 3 plus 1 = 4 आ गया ना, हाँ, तो वो चार भागों में बट जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सुएशन मोटिवेटेड एंड एंगेज द स्टूडेंट्स इन दिस लेसन। थिंक ऑफ टू टॉपिक्स इन द करिकुलम व्हिच कुड प्रॉम्प्ट सिमिलर डिबेट। Thank you.